सोशल मीडिया पर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की सूची में शामिल मुकेश अंबानी के बेटे आनंद और राधिका मर्चेंट की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आनंद की शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन इस कार्यक्रम से पूरा गांधी परिवार नदारद रहा, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की सूची में शामिल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा काफी तेज है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देश विदेश की हस्तियों ने शिरकत की। हालांकि गांधी परिवार ने इस फंक्शन से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। एक तरफ अनंत अंबानी की शादी के वीडियो वायरल हो रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो किसी रेस्तरा का है, जहाँ राहुल गांधी नीले रंग की टी शर्ट पहनकर बैठे हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। राहुल गांधी की वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अंबानी की शादी को छोड़कर दिल्ली के एक कैफे में पिज्जा का लुत्फ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए कहा, जब सभी राजनेता अंबानी परिवार की शादी में शामिल हो रहे हैं, तब राहुल गांधी रेस्तरा में पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ सभी अंबानी के यहाँ नतमस्तक रहे, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे, तो वहीं राहुल गांधी अपनी बात पर अड़िग रहे। ऐसे में प्रियंका गांधी का एक बयान सुर्खियों में है। प्रियंका ने कहा कि अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।